हे गाइस, वेलकम टू लुक स्टाइलिश। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हैवी बस्ट वूमेन को खुद को कैसे स्टाइल करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके के आउटफिट्स को अवॉइड करना चाहिए। गाइस, आपको टर्टल नेक और हाई नेक टॉप या स्वेटर्स को अवॉइड करना चाहिए, यह आपके बस्ट एरिया को ज़्यादा हैवियर दिखाता है। सेकेंड है गाइस, डबल ब्रेस्टेड क्लोथिंग, ऐसे कोट और जैकेट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जो डबल ब्रेस्टेड होते हैं। ये आपके बस्ट एरिया में वॉल्यूम ऐड करते हैं, जिससे आपका बस्ट एरिया जो हैवियर लगता है। अगर आप अपने बस्ट एरिया को कम दिखाना चाहते हैं, लाइटर दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे क्लोथ को अवॉइड करना चाहिए आपको। गाइस, आपको नूडल स्लीव्स और थिन स्ट्रैप्स वाले स्लीव्स को अवॉइड करना चाहिए। इससे जो फोकस है वो आपके बस्ट एरिया पर जाता है, आप उससे ज़्यादा हैवियर, ज़्यादा फुलर दिखाता है, इसलिए इन स्लीव्स को अवॉइड करें। और जो चीज़ें गाइस आपको अवॉइड करनी चाहिए, हैवी डिटेलिंग और नेक, ऐसे कुर्तीज़, टॉप या ड्रेसेस आपको अवॉइड करनी चाहिए जिनके नेक लाइन पर हैवी एम्ब्रॉयडरी हो, सीक्वेंस वर्क हो या रफल्स बने हुए हैं, यह भी आपके बस्ट एरिया पर हैवी शो करता है, इसलिए इन डिटेल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे फैब्रिक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जो आपके बॉडी को और भी ज़्यादा हैवियर दिखाते हैं, लाइक स्टिफ फैब्रिक्स, साटन या वेलवेट, ब्रोकेड फैब्रिक, इन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि आपको क्या वेयर करना चाहिए, खुद को कैसे स्टाइल करना चाहिए जो आपके बॉडी टाइप पर और भी अच्छे लगे। गाइस, आपको अपने लिए इस तरह के कुर्तीज या टॉप चूज़ करने चाहिए जिसमें किसी भी तरह से कोई ब्रेकेज हो, लाइक वो बटन से हो, हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी से हो, लेस के ज़रिए हो। इसकी बात कर रहे हैं तो गाइस, आप पर रैप ड्रेस, अनारकली कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें भी एक तरह का ब्रेकेज होता है, जिस वजह से आपके जो बस्ट एरिया है वो लाइटर लगता है। रखा गया डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट्स की, तो गाइस आप स्ट्राइप्स, पोल्का डॉट्स, स्मॉल पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मेक श्योर गाइस कि जब भी आप फैब्रिक चूज़ करें वो आपके बस्ट एरिया पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना कर रहा हो, इससे आपका पूरा लुक जो है वो ख़राब हो जाएगा। गाइस, अगर बात करें नेक लाइन की, तो आप पर वी नेक, स्कूप नेक और राउंड नेक बहुत अच्छे लगते हैं। असमेट्रिक नेक लाइन भी आप पर बहुत अच्छी लगती है, ये आपके अपर बॉडी को सिमर दिखाते हैं। और गाइस, अब बात करते हैं स्लीव्स की कि आपको कैसी स्लीव्स वेयर करनी चाहिए। तो गाइस, ऐसे स्लीव जो आपके शोल्डर एरिया पर ब्रॉड हो, आपके शोल्डर एरिया को कवर कर रही हूँ, ऐसे स्लीव्स आप पर अच्छी लगेंगी। हो सके तो गाइस आप क्वार्टर स्लीव वेयर करें। क्वार्टर स्लीव्स जो है वो आपकी बॉडी को इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करती है कि आपकी अपर बॉडी लेस हैवी नज़र आती है। गाइस, अगर ब्लाउज और टॉप की बात करें तो आपको हमेशा इस तरह के ब्लाउज या टॉप चूज़ करने चाहिए जिसके बस्ट एरिया पर कोई भी पॉकेट ना हो। और फैब्रिक की बात करें तो गाइस, शिफॉन फैब्रिक जो है वो आपके बस्ट एरिया पर जेंटली ड्रेप होता है और किसी भी तरह का बल्क ऐड नहीं करता। शिफॉन फैब्रिक आपके लिए आइडियल फैब्रिक है। और गाइस, नेकलेस की बात करें तो आप पर लॉन्ग स्टैंड बीट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिन्हें आप मल्टीपल टाइम अपने नेक के अराउंड ट्रैप करते हैं। इस तरह के नेकलेस आप पर अच्छे लगते हैं, चंकी बीट्स आप पर अच्छे लगेंगे, आपके ये नेक एरिया को हाईलाइट करते हैं। और गाइस, अगर आपके पास सेम बहुत सारे छोटे छोटे नेकलेसेस हैं तो आप उन्हें एक साथ वेयर कर सकते हैं, ये आपके नेक एरिया के पास वॉल्यूम ऐड करते हैं, ना कि आपके बस्ट एरिया पर। इस तरीके से गाइस, जो फोकस है वो आपके फेस पर रहता है। और गाइस, ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी स्टाइलिश, लुक स्टाइलिश। थैंक